यारिस के साथ, और यारिस के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनर व्यू के लिए हसन। ये शेप चल रही है 2015-16 के बाद आई गेस, तो वो तो सेम ही शेप चल रही है, बस अब एक्स के उन्होंने बम्पर ही चेंज किए थे, बाकी तो फीचर सेट वगैरह तो सेम ही है। लेकिन वो भी चली ज्यादा होती है ना, फिर ये थोड़ी कम चली गई। ये वेरिएंट कौन था? 1.58 FX। इसके अंदर आई गेस मैंने सुना था कि अलाइनमेंट का बहुत इशू आता है, तो आपको कुछ फेस हुआ इसके अंदर? हां, अलाइनमेंट इसकी ना मैंने बहुत दफा कराई हुई है, लेकिन फिर वही रोल हो जाता है, मतलब फिर मसला आ जाता है, अलाइनमेंट दोबारा आउट हो जाती है इसका। सिटी में ये दे देती है लाइक कोई 15-16-17 तक, और ये लाइक मोटरवे वगैरह पे 1200 पे नहीं आती, पता नहीं कैसे। आई गेस मैंने सुना था कि अलाइनमेंट का बहुत इशू आता है, तो आपको कुछ फेस हुआ इसके अंदर? हां, अलाइनमेंट इसकी ना मैंने बहुत दफा कराई हुई है, लेकिन फिर वही रोल हो जाता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू नोमी बाइट्स। आज के जो रिव्यू है वो हमारे हैं यारिस के साथ, और यारिस के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनर रिव्यू के लिए हसन। हसन और साथ और इधर हमारे साथ सलमान। तो चलें जी, आज का एक्सपीरियंस जो है ऑनर व्यू, जो ऑनर एक्सपीरियंस है यारिस के साथ हसन का, वो स्टार्ट करते हैं। हसन, सबसे पहले तो आप हमें बताओ कि ये वेरिएंट कौन था? 1.58 FX। ठीक है, तो मोर मॉडल? मॉडल है 2020। 2020, ठीक है। तो ये आपने कितने की परचेज की थी? मैंने की थी 4150 की। 4150 की, तो वाई यारिस? क्योंकि इस रेंज में बेजर गाड़ी यही थी, सिटी मुझे वैसे नहीं पसंद, और ठीक है बाकी मतलब लेटेस्ट यही थी ना, जीआरआई एल्टस वगैरह नहीं जो थी इस मतलब प्राइस रेंज में नहीं आई थी। ठीक है, तो अगर आप ओल्ड मॉडल ले लेते वो तो मिल ही जाता। हाँ, मुझे नहीं लगता कि जीएलआई की जो भी ये शेप चल रही है 2015-16 के बाद आई गेस, तो वो तो सेम ही शेप चल रही है, बस अब एक्स के उन्होंने बम्पर ही चेंज किए थे, बाकी तो फीचर सेट वगैरह तो सेम ही है। लेकिन वो भी चली ज्यादा होती है ना, फिर ये थोड़ी कम चली गई। तो हम मुझे बताओ कि आपने कभी इसके ऊपर लॉन्ग में टूर किया? हाँ जी, बहुत। ऑटो सिटी गए हो? ठीक है, कहीं नॉर्दर्न वगैरह गए हो या? नॉर्दर्न नहीं इतना, मतलब इस्लामाबाद पेशावर तक। ओके, तो क्या इसने कभी आपको तंग वगैरह किया रास्ते में? नहीं। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या आती है इसकी लॉन्ग पे? यार लॉन्ग पे है ना, पता नहीं क्या सीन है इसका, लेकिन लॉन्ग पे कम एवरेज देती है, जो सिटी वगैरह में ज्यादा अच्छी है। लॉन्ग पे क्यों कम भगाते हो? मतलब नहीं, अगर वैसे भी नॉर्मली सिटी में ये दे देती है लाइक कोई 15-16-17 तक, और ये लाइक मोटरवे वगैरह पे 1200 पे नहीं आती, पता नहीं कैसे। ठीक, तो ज़्यादातर आपकी ड्राइव इन सिटी है या आउट ऑफ सिटी है? इन सिटी। ठीक है, तो आपने इसको स्टॉक ही रखा हुआ है या कोई मॉडिफिकेशन भी की थी गाड़ी के साथ? ये बस इसके साइड टर्टन्स लगे हुए हैं नीचे, और बस टेंट्स हो गए हैं। और जो इसके रिम्स वगैरह आते हैं वो आफ्टर मार्केट है या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। तो जो व्हील साइज है वो? ये मेरे ख्याल से इसके हैं 16 इंचेस के रिम। और 16 इंचेस के रिम और टायर प्रोफाइल क्या इसकी है? 195। इसकी होती है 175, लेकिन हमने 195। ठीक है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो आप टोयोटा से करवाते हो या आउटसाइडर मैकेनिक से करवाते हो? नहीं, टोयोटा से नहीं कराते, लोकली करवाते हैं। तो क्या आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है मेंटेनेंस कॉस्ट? इसका ऑयल चेंज वगैरह ट्यूनिंग वगैरह सारे अगर मिला के कर बताएं तो कोई लग गया था 11-12 हज़ार। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह डाल डूल के सब कुछ भी? हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर आई गेस मैंने सुना था कि अलाइनमेंट का बहुत इशू आता है, तो आपको कुछ फेस हुआ इसके अंदर? हाँ, अलाइनमेंट इसकी ना मैंने बहुत दफ़ा कराई हुई है, लेकिन फिर वही रोल हो जाता है, मतलब फिर मसला आ जाता है, अलाइनमेंट दोबारा आउट हो जाती है इसका। मतलब जब आप अलाइनमेंट करवाते हो तब तो ठीक रहती है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है या कुछ अर्से बाद? वो तो आफ्टर सम टाइम जो है वो अलाइनमेंट दोबारा करवानी पड़ती है। आप कहीं पर लॉन्ग टूर पर जाते हो तो उस वक्त फिर अलाइनमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब होती है उसकी। यारिस का ना मसला ये है, मेरे काफ़ी दोस्तों के पास यारिस है, और इनका बहुत जल्दी अलाइनमेंट का मसला आ जाता है, बाकी करोला वगैरह की बड़ी गुड है अलाइनमेंट का मसला। तो ये आपने उनसे लाइक टोयोटा वालों से कोई डिस्कशन की इस बारे में कि क्या इशू हो सकता है? नहीं, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक
ठीक है, इस गाड़ी के आपके पास कोई सेलियंट फीचर जो आप समझते हो कि यार ये फीचर जो है ये इस गाड़ी में मुझे अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर लाइक जो सिटी है या GLI है? इसका मोस्टली तो मतलब सिटी और GLI वगैरह वाले हैं, लेकिन GLI में ये नहीं है ना डिजिटल, इसका ये एसी वाला है, डिजिटल है इसमें, हाँ GLI में एनालॉग है। और इसका ये जो हेड यूनिट है वो डिफॉल्ट है या आपने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ? नहीं नहीं, इसका मल्टीमीडिया ओरिजिनल है। तो आपको 11,000 रुपीज़ जो है ये चार्ज करती है मेंटेनेंस पे, ठीक है, ट्यूनिंग पे। और ये कितने किलोमीटर बाद करानी पड़ती है? 5,000 किलोमीटर के बाद, ठीक है। तो अगर हम इसके सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स के ऊपर बात करें तो इसमें कितने एयरबैग आते हैं? इसमें मेरे ख्याल से, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से खाली दो ही हैं। ठीक है, दो एयर बैग हैं पैसेंजर फर्स्ट पैसेंजर और ड्राइवर। ठीक है, कभी एक्सपीरियंस हुआ चलाने का? एयर बैग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं खुले, लेकिन अच्छा तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसे है इसकी? हाँ, आराम से मिल जाएंगे यार, इसका तो पार्ट्स ही लोकली बनती है ना, तो इसके पार्ट्स तो कॉस्टली बढ़ते हैं या नॉर्मल ही है, मतलब ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं। ओके, बिल्ड क्वालिटी को आप कैसे इसको देखते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी? बिल्ड क्वालिटी मुझे तो नहीं पसंद इसकी, बहुत सारी है। मुझे भी आपको पसंद है यारिस? हाँ यारिस प्यारी गाड़ी है, और लाइक इस प्राइस में बेहतर, सबसे बेहतर यही गाड़ी है ना, और मुझे तो लगता है इसकी सिविक से भी ज़्यादा बुरी है क्वालिटी। मुझे आप कहना चाह रहे हो कि सिविक की क्वालिटी बुरी है? हाँ, वही मशहूर हुई है ना कि सिविक शॉपर में, तो मुझे तो लगता है इसकी यार इससे भी ज़्यादा। अच्छा, कोई चीज़ आप इस गाड़ी में मिस करते हो? यार एक इसका एक क्रूज़ है, वो मैंने खुद लगवाया हुआ है, वैसे इसमें क्रूज़ नहीं आता, बल्कि जो कि आना चाहिए था सनरूफ भी आना ही चाहिए था, मतलब टॉप वेरिएंट है, एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो देते। और इसके अलावा बाकी और सच कोई नहीं है। सिटी के अंदर कभी पार्किंग का इशू हुआ, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, कहीं पे गए हो कंजेस्टेड प्लेसेस पे? क्योंकि लाहौर में तो वैसे पार्किंग स्पॉट स्पेशल बनी नहीं हुई है, या पार्किंग प्लाजा नहीं बने हुए, तो आपको कभी भी मेन रोड पे या कहीं पे तुम नहीं पड़ दिया गाड़ी? हाँ, तो पार्किंग सेंसर इसमें नहीं है। अच्छा, वो भी होने चाहिए थे, हर मतलब जापानीज गाड़ी में होते हैं। हाँ वैसे ये है सर भाई, ये चीज़ तो हमने भी नोट की है कि मतलब जापानीज जितनी भी गाड़ियाँ थी जो छोटी है वो पार्किंग सेंसर और लाजमी देते हैं, और 360 कैमरा भी देते हैं इसमें? नहीं। अच्छा, अब तो टोयोटा ने काफी देर बाद आके ये एक नई आई गेस के सिटी के कंपैरिजन में इसको लॉन्च किया था ना सर भाई, तो दोनों के अंदर कोई फीचर सेट का कोई फर्क तो कोई भी नहीं है? उन्होंने भी नहीं दिए, इन्होंने भी नहीं दिए नहीं, इसमें और उसमें जो जब ये यारिस आई थी और जो पुरानी सिटी है उसमें और इसमें भी ये फर्क था कि इसमें एयरबैग्स आते थे टोयोटा वाले, सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया था, लेकिन जो होंडा सिटी है उन्होंने फुल टाइम कम्प्रोमाइज था सेफ्टी के ऊपर, एयरबैग नहीं देते थे। हाँ, उसमें एयरबैग था। अब तो देने लग गए हैं। हाँ, देने लग गए हैं। GLI में भी खाली एक एयरबैग होता था? नहीं, GLI में स्टार्टिंग से जो है ना वो ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों आ रहे हैं। लेकिन मेरे ना दोस्त की टोटल हुई थी GLI, उसका खाली एक ही एयरबैग, वो फ्रंट पूरा उड़ गया, तो एक एयरबैग ओपन हुआ, दोस्त बच गया था। हाँ, बच गया। पैसेंजर थे ना? पैसेंजर कोई भी नहीं था साथ। अच्छा, तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर अभी आप जाओ तो इसको स्विच कर कौन सी गाड़ी पे जाना चाहोगे? यार मेरा नहीं ख्याल इस प्राइस रेंज में अभी कोई गाड़ी है, लेकिन ये है कि भाई इस प्राइस रेंज में शायद 17 मॉडल सिविक ओरियल मिल जाए, तो लेकिन वो ये सीन है ना, मैं वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरी इस तरह की जगह पे जाना होता है सस्पेंशन का, उसका सिविक का बड़ा मसला बनता है। इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ऊंची है गाड़ी? तो कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी में दोस्त वगैरह बैठे हों और स्पीड पे ब्रेकर पे आपको टेढ़ी करके बनानी पड़ी या नीचे से लगी वो? तब जब बहुत ज़्यादा लड़के हों ना भरे हों लड़के। आपने इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी चलाई है? इसके अलावा लाइक सिटी आपने ड्राइव की है? सिटी भी की है। तो ड्राइविंग कंफर्ट को आप किस तरह देखते हो एज कम्पेयर टू ये सिटी? सिटी से बेहतर है, सिटी तो बहुत अनकम्फर्टेबल है। नए वाला मॉडल मैंने चलाया नहीं, ये लेटेस्ट है, उससे पुराना वो भी मैंने चलाया हुआ, वो नहीं उससे बेहतर है ड्राइव? हाँ, उससे बहुत बेहतर है। ठीक, तो लेग स्पेस जो फ्रंट पे है उसका तो आई गेस ठीक ही है, बैक पे बैक पे कम देखूं तो
बैग पे हमारे हिसाब से अगर 5 फुट 5.5 फुट 5.5 फुट का बंदा बैठा हो तो उस हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक मुझे सही लग रही है। नौमी बैठे तो थोड़ा सा मे भी कम्प्रोमाइज हो, मुझे तो आगे भी जरा मुश्किल हो रही पीछे तो मुझे नहीं सही लगती, पीछे लेग स्पेस आगे सही है, आगे यहाँ वो आप लोगों की सीट्स आगे इस वजह से हम कंफर्टेबल बैठे हो, मतलब कि फैन पे करें ये वाली सीट तो बहुत ही आगे है ना, इसको पीछे करो ना जरा फोन आप ठीक आप सलमान ठीक हो आप पीछे सही हूं। इसी के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा सा, तो आपको क्या लगता है हसन इसके अंदर कोई लेकिन अगर जैसे गाड़ी लाइक जा रही हो ना रिंग रोड पे मैं चला रहा होता हूँ तो 140-150 पे ओवर में ब्रेक दूं तो गाड़ी लाइक वो वॉबल करने शुरू हो जाती है, ना ही मेरी एल्टिस करती थी इस पे ब्रेक्स का बड़ा मसला, इवन मैं 100 पे भी हूँ ना तब भी ये रोल होता है। तो आपने यारिस के अलावा मतलब सिटी भी सिविक भी रखी थी और अल्टिस भी रखी और इसके अलावा यार मतलब कि हम थोड़ा से ये बिग थ्री के बाहर चल जाए ना। अच्छा सिविक रखी हुई है, करोला रखी हुई है, एक्वा रखी हुई है, ऑल्टो रखी हुई है और तो उन सब के अंदर ये जितनी भी गाड़ी है इनमें से आपको सिर्फ इस पे फील हुआ कि ये गाड़ी स्लिप होती है ब्रेक के अंदर? यार रिवर्स की ब्रेक्स बड़ी अच्छी है लेकिन वो भी एक दफा मैं कनाल पे था तो वो भी स्लिप हो गई थी, वो क्योंकि मैं बहुत ही देर से और कनाल पे तो वैसे ही बड़ा डेंजरस सीन। तो ये आप इसको ब्लेम करोगे ब्रेक्स को या जो ड्राइविंग हैबिट को? मैं एक दफा ना दोस्त की अरिस थी, वो ये वाली अरिस नहीं थी, वो दोस्त की थी, वो भी 1.5 थी, उसने ना हम कनाल भी जा रहे थे थोड़ी कटिंग शटिंग करा रहे थे, अब आगे से बाइक आ गई उसने फुल ब्रेक दबा दी हमारी गाड़ी लाइक बिल्कुल इस तरह स्लिप हो गई थी। अच्छा इस गाड़ी में यारिस में आपको लगता नहीं है कि कुछ इनकम्प्लीट है? जब आप इसको लाइक रोड पे चलता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पिंच सी हुई है, ऐसे अंदर को टिल्ट घुसी हुई है टायर इसके। हाँ इसके टायर एक तो बहुत लाइक जो स्टैंडर्ड है ना वो टायर बहुत छोटे हैं इसके, वो बड़ा मसला, काफी अंदर कर गए वो, मतलब गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से टायर छोटे हैं, इसलिए ग्रिप इसकी इसमें ट्रैक्शन है तो इसकी ग्रिप सही है बस रोड ग्रिप फिर भी स्लिप हो जाती है मेरे हिसाब से अल्टे से बेहतर है इसकी, अल्टे से बेहतर हाँ क्योंकि अल्टेस में वो नहीं है ना ट्रैक्शन कंट्रोल है ग्रैंडे में है, तो अगर इसका तो कंपैरिजन जीएलआई से होता है मेरे ख्याल से जीएलआई से तो बहुत बेहतर ग्रिप है, जीएलआई की तो कोई ग्रिप ही नहीं है। ठीक है इसकी बूट स्पेस लाइक एज कंपेयर टू सिटी? हाँ इसके ट्रंक में बहुत जगह अच्छी खासी जगह और ड्राइविंग कंफर्ट? ड्राइविंग कंफर्ट यार 7 क्योंकि मैं सिटी में चलाता हूँ, सिटी में तो सही है लेकिन लॉन्ग पे जरा आई गेस अभी आप स्टूडेंट हो तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे भी आपको खर्चा काफी बच जाता है तो उस वाले से इसको कितना रेट करोगे? यार मेरे ख्याल से मैंने मेरी आज तक ना इसका कोई इतना मसला नहीं बना, बस मेंटेनेंस की यही होती है, ऑयल चेंज करा लिया आपको इसके इंटीरियर में सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज लगती है? यार एक तो ये डिजिटल एनालॉग ये बड़ा गुड है, ठीक है, इसका स्टीयरिंग भी मजेगा, स्टीयरिंग भी मुझे पसंद है। और कोई मीटर वगैरह नहीं पसंद? मीटर भी पसंद है लेकिन क्योंकि इन्होंने जीएलआई में तो बिल्कुल ही सिंपल से दिए हैं। हां जीएलआई में डिजिटल नहीं है ना मीटर, इसमें है डिजिटल मीटर, बाकी ये वो लाइक साउंड क्वालिटी इस गाड़ी में आपको कैसी फील होती है लाइक इसके? अच्छी है इसकी साउंड क्वालिटी, बड़ी गुड है, गुड है। और बाकी इसमें फर्स्ट स्टार्ट है, जीएलआई एल्टिस वगैरह में नहीं है। ठीक है तो
इसकी एक्सटीरियर को क्या रेट करोगे? एक्सटीरियर यार मुझे पसंद है काफी, लाइक 8 है। सबसे ज्यादा मुझे क्या चीज लगती है फ्रंट या बैक? मुझे बैक। बैक में क्या चीज? लाइट्स, बैक्स की लाइट्स बड़ी प्यारी है, बंपर भी प्यारा है, वो लाइट्स भी प्यारी है। फ्रंट से जरा ना थोड़ी सी कर्व्ड है, तो थोड़ी सी फ्रंट से छोटी लगती है, पीछे से छोटी लगती है। इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी इसका बड़ा अच्छा है, एसी ठीक है। एसी तो और शो वगैरह? हाँ शो भी सही है इसकी, गुड। ये इसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आता है या नॉर्मल? मुझे नहीं पता टेलीस्कोपिक क्या होता है। टेलीस्कोपिक का नहीं होता है, एडजस्ट करने के लिए होता है, मतलब कि ऊपर मेरे नहीं करना, आगे पीछे और ऊपर नीचे। हाँ होता है, होता है। ये मतलब सारे शीशे जो एंक्रोला ने इसके अंदर दे दिए और टोटल। तो ये था जी यारिस 1.5 ATVX के साथ हमारा रिव्यू, जो कि एक वॉनट एक्सपीरियंस था। हसन ने तो ओवरऑल, हसन कोई ओवरऑल बता दो सब, पहले तो अपने चीज़ों को रेट किया ना, कंफर्ट इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब तो गाड़ियाँ बड़ी महंगी, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से 8। कोई सजेशन दोगे? वैसे मैं सनरूफ होना चाहिए था यार, सनरूफ। वो तो आप आफ्टर मार्केट लो वाला क्रोला गया था, टूटा गया था। रीसेल फिर सारी गई ना? नहीं यार रीसेल तो गई। और इसमें एक क्रूज कंट्रोल भी मैंने खुद लगाई, ये तो होना ही चाहिए था, हालांकि मीटर वगैरह में सब ऑप्शन है। एटलीस्ट टॉप लाइन वेरिएंट बस 4000 का ये लग जाता है क्रूज कंट्रोल, वो अगर टोयोटा वाले लगाए थे तो मेहरबानी होती। उन्होंने 4000 का लगा के आपसे, मुझे लगता है टोयोटा वाले 4-6 हज़ार रुपए ऊपर कर लेना था, 4-6 हज़ार प्राइस ऊपर ले जाना था उन्होंने। तो आई होप कि आप लोगों को ये ऑनर एक्सपीरियंस जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।